अब रही बात प्रियंका गांधी का, तो उसके लिए एक वो जो दोहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, तो चुनाव में सुमिरन सब करे वैसे करे न कोई। एक है पॉलिटिक्स दो चीजों से चलती है, एक तो पॉलिटिकल नैरेटिव आपका क्या है और आपकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग क्या है, किस तरीके की है। और उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल पोस्चरिंग धर्म और जाति के लिहाज से ही तय किए जाते हैं। अगर अयोध्या पहुंची हैं प्रियंका गांधी तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव, ये पॉलिटिकल मैसेज कहां तक पहुंचेगा, और अगर पहुंचेगा तो ये कारगर साबित होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार कहते हैं कि धर्म का अगर आपने राजनीति में गलत इस्तेमाल कर लिया तो ये बूमरैंग भी हो जाती है। देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था आपके डिबेट पे भी, और 2.5 साल पहले भी मैंने, शायद मैंने पहली बार बोला था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में धर्म ही सब कुछ है, बहुत बड़ा इसका इन्फ्लुएंस होता है। आप एक एग्जांपल मुझे बता दीजिए, मैं साउथ इंडिया भी घुमा हूं, डीएमके वगैरह के लोगों के वहां का भी मैंने देखा है, धर्म जाति पाति इनको आज तक कोई पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलग कर ही नहीं पाई है। आज क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव देखिए, उनका उत्थान देखिए, उनका पतन देखिए, धर्म और जाति पात से है। अब रही बात प्रियंका गांधी का, तो उसके लिए एक वो जो दोहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, तो चुनाव में सुमिरन सब करे वैसे करे न कोई। इतने दिनों के बाद अब इनको ये लगने लगा है कि हाँ भाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि इंदिरा गांधी भी रुद्राक्ष की माला पहनती थी। मैं ये नहीं मानता हूं कि हिंदुत्व या हिंदू धर्म या कोई धर्म किसी एक पार्टी का पेटेंट है। सब लोग मानिए, किसी की बुराई मत करिए, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र होता है। और जो डिबेट का विषय है, जिस दिन प्रियंका गांधी का लॉन्च हुआ था, आप ही के चैनल पे दिन भर मैंने कवरेज की थी, मैंने बोला था उस दिन बीजेपी वाले बड़े कॉन्फिडेंट थे, मैंने बोला था ये पर्दे पे कॉन्फिडेंट है, अंदर से इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी है, इनके हेड ऑफिस में जाके देख लीजिए, सब लोग रैली को देख रहे होंगे। बट नेचुरल प्रियंका गांधी एक बहुत स्ट्रेटेजिक जो है एसेट है, आप ये मान के चलिए कांग्रेस के लिए, उनका सही प्रयोग बहुत जबरदस्त डैमेज केवल बीजेपी को नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों को भी पहुंचा सकता है। क्षेत्रीय पार्टियों की जो आर्म ट्विस्टिंग थी वो भी खत्म हो सकती है। देखिए कांग्रेस कर क्या रही है, बीजेपी को भी मात देना चाहती है और क्षेत्रीय पार्टियों के चंगुल से अपने आप को निकाल के अपना स्वतंत्र अस्तित्व वो पूरे राष्ट्र में खड़ा करना चाहती है। पीछे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका दुष्परिणाम इन्होंने देख लिया, देर से इनको समझ में आ गया। धर्म मानो या ना मानो, लेकिन किसी धर्म की बुराई कर देना बहुत खतरनाक हो जाता है, वो भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे, जनभावनाएं आहत हो जाती है ना। इसीलिए अब कोई भी पार्टी राम के ऊपर, उनको आहत करने के ऊपर, धार्मिक भावनाओं को आहत करने से बच रही है और इसका फायदा मिलेगा। एक चीज और है, एक स्ट्रेटजी होती है रिवाइव करने के लिए जो कि प्रियंका गांधी के थ्रू किया जा रहा है, वो है गोल्डन पास। पीछे इनका क्या था, उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये चल रही है, जो बार बार बोल रहे हैं ना इंदिरा गांधी की तरह, इंदिरा गांधी से सिमिलरिटी ढूंढी जा रही है, रुद्राक्ष की माला। तो ये गोल्डन पास की स्ट्रेटजी है और एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रियंका गांधी के साथ बहुत है। जब पहले दिन रैली हुई थी तो बीजेपी के लोगों ने बहुत कुछ बोला था गलत या सही जो है प्रियंका। देखिए एक नारी है, जब तक वो गलत नहीं बोलेंगी ना तो बीजेपी उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। एक नारी सब पर भारी, देखिए अनिता अग्रवाल जी, अलग अलग जनरेशन की अलग अलग राजनीति देखने को मिलती है। हम क्यों ना समझें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस का एक अलग ही मोड़, एक अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल रचना, देखिए होता क्या है, जैसे एक नेता की या किसी एक राजनीतिक व्यक्तित्व की जो है आप देखिए तो 25-30 साल उसका लाइफ स्पैन होता है, जैसे पावर में अगर रहे मैक्सिमम, तो होता यह है कि उस वक्त की जनरेशन भी वही थी, उस वक्त की मान्यताएं भी वही थी, और 25-30 साल के बाद हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है, समाज की जरूरतें भी बदल जाती हैं। यही रीजन है कि चुनाव में मुद्दे चेहरे वगैरह बदलते रहते हैं। पिछले टाइम जो मुद्दा था वो मुद्दा 5 साल के बाद निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि जनता का परसेप्शन, समाज की जो है पॉलिटिकल नीड है वो बदलती रहती है। आज के जनरेशन के हिसाब से, अब जो आज जनरेशन है तो लीडर भी उसी जनरेशन से निकलेंगे। सवाल ये है कि जनरेशन कोई भी हो, लेकिन अगर समय के हिसाब से आपने मुद्दों को पहचाना जो कि जनता को प्रभावित कर सके, जनता अपने आप में आपके अंदर आपको अपना नेता देखने लगे, तो डेफिनेटली वो सक्सेस हो सकते हैं। और प्रियंका गांधी में देखिए, बिना पक्ष या विपक्ष के लिए हुए, मोदी जी के भी सक्सेस होने के पीछे, ग्रैंड सक्सेस होने के पीछे रीजन ये था कि पब्लिक से उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया।
प्रियंका गांधी के अंदर भी ये क्षमता दिख रही है। एक तो सबसे बड़ा देखिए नेचुरल बेनिफिट प्रियंका गांधी का क्या है, अभी तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो चाहे जो भी हो, अगर एक भी कोई दाग रहा होता तो बीजेपी वाले छोड़ते नहीं, अब तक तो वो अटैक करके उन्होंने खत्म कर दिया होता। लेकिन